संबल में केशव प्रसाद मौर्य के आगमन पर भारी भीड़ देखने को मिली, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में सरकार बनने के बाद सपा और बसपा पर तंज कसते हुए मंच से बड़ा ऐलान किया है। यूपी के संबल में विधानसभा 2022 चुनाव के दृष्टिगत आज 31 विधानसभा चंदौसी के मजावली में बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त देखी गई तो वहीं क्षेत्र की जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और बसपा पर तंज कसते हुए 2022 में यूपी सरकार बनने के बाद गुंडे माफिया तथा हिस्ट्री शीटर को लेकर के बड़ा बयान दिया है। साफ तौर पर उन्होंने बयान में स्पष्ट किया है कि बड़े गुंडे जेल की सलाखों के पीछे हैं और छोटे शातिर अपराधी हिस्ट्री शीटर तथा दबंगों को देखना अभी बाकी है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार इनकी जमानत को जब्त कराने का काम करेगी और ग्रामीण अंचलों में गली मोहल्लों में घूम रहे दबंग बदमाशों के खिलाफ सफाई अभियान चलाएगी, जिससे दुराचारी और क्रिमिनल जैसे उन लोगों का सफाया हो सके। ये तो ट्रेलर मैंने कहा दिखाया, असली पिक्चर तो बाकी है। जो भी आपकी समस्याएं हैं वो समाधान हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभाने का काम करेंगे। सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साथ ये सब आपस में एक है और जब 2019 में सब एक होकर के भाजपा को 64 सांसद जीतने और 51% वोट प्राप्त करने से नहीं रोक पाए तो ये आप रोक पाएंगे क्या? वह युग चला गया जब जिस गाड़ी में सपा का झंडा हर उस गाड़ी में बैठा गुंडा। याद है कि भूल गए आप लोग? सपाइयों का नारा था खाली प्लाट हमारा, रहता था कि नहीं रहता था? किसी की जमीन मकान दुकान पे कब्जा करते थे, उन्हें भू माफिया मान रहे कि बगैर उनको समाजवादी पार्टी का गुंडा मान करके जाओ, जो कब्जा करना चाहो, जो लूटना चाहो, जो गड़बड़ करना चाहो करो, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं रहता था। लेकिन यहाँ अब रोकने वाले भी हैं, टोकने वाले भी हैं और नहीं सुधरे तो ठोकने वाले भी। इसलिए मैं आप सब लोगों से बहुत सारी बातें कहना, भी मुरादाबाद की एक सभा करके फिर वापस लखनऊ जाना है। मैं आप सबको 14 फरवरी को होने वाले मतदान में भारी मतदान करने का काम करिए, घर घर जाने का काम करिएगा। 2017 से भी ज्यादा वोटों से चंदौसी विधानसभा में कमर खिलाने का काम करिएगा। मेरा एक सपना अधूरा रह जाता है, मैं जब भी आया चुनाव के समय आया, लेकिन इस बार मैं जरूर से जरूर आपको कह करके जा रहा हूँ चुनाव के बाद भी मैं आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आऊंगा। और यह छोटी वृंदावन का, मिनी वृंदावन का, यहाँ कई महत्वपूर्ण मंदिर है, मैं पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। मुझे यह मिनी वृंदावन की इस धरती पर कहना है कि जब भी मैं यहाँ आया हूँ चुनाव प्रचार करने के लिए, चाहे विधानसभा का चाहे लोकसभा का, आपने मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा करके भेजने का काम किया। कभी ये मुझे सुनने को नहीं मिला कि नहीं केशव जी आप आए थे और उसके बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो मेरे परिवार के सदस्य साथी, किसी ने अपनी तरफ से कोई कमी रखी। इसलिए मुझे आप पर भरोसा है, आप पर विश्वास है और उस विश्वास और भरोसे के आधार पर ही मैं ये कह सकता हूं कि 14 तारीख को जब यहां पर मतदान होगा तो यहां आदरणीय गुलाब देवी जी को प्रत्याशी मान करके नहीं, केशव प्रसाद मौर्य को प्रत्याशी मान करके आप सब अपना आशीर्वाद देने का काम करें। और मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं आशीर्वाद व्यर्थ भी नहीं जाने देंगे। आपने अगर मेरा मस्तक ऊंचा किया है तो मैं आपका मस्तक भी ऊंचा करने का काम जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। जहां तक विकास की बात है, 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में आपने समाजवादी पार्टी की सरकार का काला कारनामा देखा, उनकी गुंडागर्दी देखी है, उनके समय ध्वस्त कानून व्यवस्था देखी है, चरमराई हुई बिजली व्यवस्था देखी है, गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, बिना सड़क के ही पूरे विधानसभा क्षेत्र को देखने का काम किया। लेकिन जब से आपने कमर का फूल खिलाया, आप पूरी ईमानदारी से बताइए गुंडागर्दी खत्म हुई कि नहीं खत्म हुई? बताओ, खत्म हुई कि नहीं खत्म हुई? जब से आपने कमर खिलाया, सपा सरकार के समय कितने घंटे बिजली आती थी, याद है कि भूल गए आप लोग? कितने घंटे आती थी? अब कुछ बढ़कर के आ रही है, उतनी ही आ रही है।
तब बिजली की समस्या रह नहीं गई, सड़क समस्या रह नहीं गई, कानून व्यवस्था समस्या रह नहीं गई। लेकिन मैं आप सब लोगों को यहां पर यह विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि 2017 से 2022 तक जो भारतीय जनता पार्टी की वोट डालने के लिए जाएंगे, भले घर से कुछ सोच करके जाएं, लेकिन जब मतदान केंद्र पर जाएंगे तो जो कोरोना के संक्रमण काल से लगातार देश के माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से निःशुल्क फ्री में राशन देने का काम कर रहे हैं, तो कुछ विचार आएगा कि नहीं मन में आएगा, मिल रहा है कि नहीं राशन मिल रहा है। पहले केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी, अब तो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी प्रदेश सरकार के द्वारा भी 5 किलो और दिया जा रहा है, प्रति यूनिट 10 किलो, साथ में दाल भी, तेल भी, नमक भी दिया जा रहा है। दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। तो जब वो वोट डालने के लिए जाएंगे, अगर उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए हमारी सरकार ने ईमानदारी से काम किया है तो उनका आशीर्वाद हमें नहीं मिलेगा? इसे मैं आप सब लोगों से आज यहां पर यही अपील करके जा रहा हूं। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी, मेरे देश के वैज्ञानिक दिनरात तपस्या करके कोरोना की वैक्सीन बनाए, जिससे कोरोना से हम देश को, प्रदेश को, आप सबको, अपने आप को बचा सके। और आपने कहा ये भाजपा की वैक्सीन है, ये भाजपा की वैक्सीन है तो जनता आपको बताएगी। कोरोना की वैक्सीन तो जनता ने लगा लिया है, लेकिन भाजपा की वैक्सीन अब 14 तारीख को अखिलेश यादव जी आपकी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता लगाने का काम। और 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक जब जब वोट पड़ेगा वह बूस्टर डोज उत्तर प्रदेश की जनता लगातार समाजवादी पार्टी को देने का काम करेगी। और उस डोज को पाने के बाद तब आपको पता चलेगा कि भाजपा की वैक्सीन क्या है।